Good morning, students. Welcome to your science class. This is part 6 of lesson 4. And today's class, we will read about some changes around us. We see many changes around us melting of ice, tearing papers, drying clothes, growth of a child, cooking of food, and so many other types of changes. Some changes are reversible, while some are irreversible reversible changes are those that can be carried out in reverse direction like melting of ice or folding a sheet of paper etc irreversible changes cannot be carried out in reverse direction for example making tea burning a candle etc based on these changes can be physical and chemical let us understand these changes स्टूडेंट्स हम अपने चारों तरफ बहुत सारे चेंजेस या मींस बदलाव होते हुए देखते हैं जैसे कि आइस का मेल्ट होना पेपर को टर करना कपड़ों का सूखना बच्चों का बड़ा होना खाने का बनना या पौधों का बड़ा होना केक का बनना सो मैनी चेंजेस वी सी ऑल अराउंड अस लेकिन इसमें से कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जिनको हम रिवर्स कर सकते हैं मीन्स अगर हम पहले जैसी कंडीशन लाते हैं तो वो अपनी पहले वाली पोजिशन में आ जाते हैं बट कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जिनको हम रिवर्स नहीं कर सकते दीज आर कॉल्ड इन रिवर्सिबल चेंजेस रिवर्सिबल चेंजेस कौन से होते हैं दोज कैन बी कैरिड आउट इन रिवर्स डायरेक्शन लाइक मेल्टिंग ऑफ आइस एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर मेल्टिंग ऑफ आइस आइस मेल्ट हो रही है हीट मिलने पर अगर आपने फ्रीजर से बाहर निकाल दिया बट इफ वी विल पुट ऑफ अगेन दिस मेल्टिंग वाटर इन फ्रीजर अगेन वॉटर विल कन्वर्ट इन टू आइस तो दिस मीन्स इट इज़ अ रिवर्सिबल चेंज ये एक रिवर्सिबल चेंज है क्योंकि कंडीशंस रिवर्स करने पर डायरेक्शन रिवर्स करने पर वो अपनी पहली पोजिशन में पहुंच गया है सेम लाइक दैट किसी पेपर शीट को फोल्ड करना आपने पेपर शीट को फोल्ड किया अगर आपने वो फोल्ड्स ओपन कर दिए तो अगेन प्लेन पेपर विलकम पेपर दोबारा से प्लेन हो जाएगा दीज और रिवर्सिबल चेंजेस तो इस तरीके के चेंजेस को बोलता है रिवर्सिबल चेंजेस जिसको फर्स्टली पहले वाली कंडीशंस में ला सकते हैं अनदर हैंड सम चेंजेस कैन नॉट बी कैरिडेड आउट इन रिवर्स डायरेक्शन कुछ चेंजेस को हम रिवर्स डायरेक्शन करने पर भी पहले वाली पोजिशन में नहीं ला सकते हैं इन चेंजेस को बोलते हैं इर रिवर्सिबल चेंजेस लाइक मेकिंग टी चाय का बनना क्या आप चाय जब बन जाती है उसके बाद उससे दोबारा से सेपरेट कर सकते हो मिल्क को वाटर को शुगर को टी लीव्स को टी लीव्स को हम कर सकते हैं बट ऑल द इग्रीडियंट्स वी कान सेपरेट सेम लाइक ग्रोथ ऑफ अ चाइल्ड बच्चे का बड़ा होना जब आप छोटे थे बड़े हो रहे हो धीरे धीरे क्या आप दोबारा से छोटे हो सकते हो नो no. तो दीज आर इर रिवर्सिबल चेंजेस इस तरीके के चेंजेस होते हैं इर रिवर्सिबल चेंजेस हेयर यू कैन सी थ्री पिक्चर्स ड्राइंग ऑफ क्लोथ्स कपड़ों का सूखना दिस इज अ रिवर्सिबल चेंजेस अगर हम कपड़ों पर पानी डाल देंगे या कपड़ों को पानी में डाल देंगे अगेन इट विल बी गेट वेट ये दोबारा से गीले हो जाएंगे मेल्टिंग ऑफ आइस इज ऑल्सो रिवर्सिबल चेंज बर्निंग ऑफ कैंडल इज अ इिवर्सिबल चेंज बर्न हो गया सारा वैक्स मेल्ट हो गया इट इज अ रिवर्सिबल चेंज नाउ ऑन द बेसिस ऑफ रिवर्सिबल एंड इवर्सिबल चेंजेस आर कैटेगराइज इन टू कैटेगरीज फर्स्टली इज फिजिकल चेंज changes in which no new substance are formed are called physical changes they are generally reversible in such type of changes only physical state of the substance change for example melting of ice is a physical change ice melts into water after some time only the physical state of water changes from solid to liquid in this process and water again become ice on cooling no new substance is formed. Similarly, if you tear a piece of paper, it looks different, but it is still a piece of paper. That is a physical change. Evaporation, condensation, freezing, melting of butter, sharpening of pencil, breaking of glass, etc., are some other examples of physical changes. स्टूडेंट फर्स्टली तो फिजिकल चेंजेस फिजिकल चेंजेस मीन्स जिसके उसकी सब्सटेंस की फिजिकल स्टेट में कोई चेंज नहीं आता है मीन्स वो सॉलिड फिजिकल स्टेट्स मीन्स सॉलिड है लिक्विड है या गैस है फिजिकल चेंजेस मोस्टली रिवर्सिबल होते हैं मीन्स अगर हम कंडीशन को रिवर्स कर दें तो वो अपनी पहली वाली पोजिशन में पहुंच जाते हैं फॉर एग्जाम्पल मेल्टिंग ऑफ आइस इज अ फिजिकल चेंज बर्फ का पिघलना वाटर कि फिजिकल स्टेट में चेंज हुआ वाटर मेल्ट होने पर आइस किस में कन्वर्ट हो गई वाटर में लेकिन अगर हमने उसको दोबारा से फ्रीजर में रखा इट अगेन कन्वर्ट इन टू आइस दैट मीन्स इट इज अ फिजिकल चेंज एंड दिस इज अ रिवर्सिबल चेंज ऑल्सो ऑन द ओनली द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर चेंज केवल वाटर की फिजिकल स्टेट में चेंज आया है कि वो सॉलिड से लिक्विड बन गया या लिक्विड से सॉलिड बन गया मेल्ट करने पर लेकिन वो है तो वाटर ही फिजिकल स्टेट में कोई चेंज नहीं आया कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बना कोई नई चीज़ बनकर सामने नहीं आई इसी तरीके से अगर आप एग्जाम्पल देखें टीयरिंग ऑफ पेपर अगर आप पेपर को टीयर करते हो उसके छोटे छोटे पीसेस करते हो तो व्हाट विल हैपन पेपर के छोटे छोटे पीसेस हो जाते हैं लेकिन रहता तो वो तभी भी पेपर है फिजिकल स्टेट उसकी अभी भी क्या है पेपर सेकेंड पिक्चर यू कैन सी शार्पनिंग अ पेंसिल पेंसिल को शार्प करना अगर आप पेंसिल को शार्प करते हो तो क्या होता है पेंसिल स्मॉल होती चली जाती है लेकिन वो रहती तो अभी भी पेंसिल है थर्ड इज मेल्टिंग ऑफ बटर बटर का मेल्ट होना बटर मेल्ट हो रहा है वो सेमी सॉलिड फॉर्म में आ गया लिक्विड फॉर्म में आ गया लेकिन अगर हम उसे दोबारा से फ्रीजर में रखेंगे इट विल अगेन कन्वर्ट इन सॉलिड स्टेट सेम इवेपोरेशन कंडेसन फ्रीजिंग मेल्टिंग जितनी भी हमने स्टेट्स पढ़ी थी चेंजेस स्टेट ऑफ मैटर में एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंजेस नाउ सेकेंड इज कैमिकल चेंज चेंजिस इन विच न्यू सबस्टेंस विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड आर कॉल्ड केमिकल चेंजेस दीज चेंजेस आर जनरली इिवर्सिबल दैट मीन्स दे कैन नॉट चेंज बैक एन एग्जाम्पल ऑफ सच चेंज इज बेकिंग अ केक The batter is a liquid mixture of flour, sugar, water, and other ingredients. When you heat it in the oven, the batter turns into a yummy solid. You cannot change it back into flour, sugar, water, and the other ingredients. The batter has made a chemical change that is irreversible and it has become something new. कुकिंग ऑफ़ फूड ग्रोथ ऑफ अ प्लांट बर्निंग ऑफ अ कैंडल और पेपर रैपनिंग ऑफ फ्रूट्स मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क फॉलिंग ऑफ लीव्स एक्सेट्रा आर सम अदर एग्जाम्पल्स ऑफ केमिकल चेंजेस स्टूडेंट्स केमिकल चेंजेस में न्यू सब्सटेंस बनता है फिजिकल चेंजेस में कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बनता केवल फिजिकल स्टेट में चेंजेस आते हैं सेकेंड फिजिकल चेंजेस रिवर्सिबल होते हैं केमिकल चेंजेस आर इिवर्सिबल केमिकल चेंजेस मींस अगर वो चेंज हो गया है तो उसको आप डायरेक्शन चेंज करने पर भी पहली पोजीशन में नहीं ला सकते फॉर एग्जांपल बेकिंग ऑफ केक केक का बनना आप बैटर रखते हैं उसमें फ्लोर डालते हैं शुगर डालते हैं वाटर डालते हैं और दूसरे इन्ग्रीडियंट्स डालते हैं फ्लेवर के लिए वैन यू बेक दिस बैटर जब आप इस बैटर को बेक करते हो तो ये लिक्विड फॉर्म से किस में कन्वर्ट हो जाता है सॉलिड फॉर्म में सो आफ्टर बेकिंग कैन यू कन्वर्ट इट अगेन इं टू लिक्विड फॉर्म क्या आप इसे जब केक बेक हो जाता है उसके बाद इसे दोबारा आप फर्स्ट वाली पोजिशन में ला सकते हैं इससे फ्लोर को शुगर को वाटर को अलग कर सकते हैं नो तो दिस इज अ केमिकल चेंज यू हैव टू रिमेंबर कि फिजिकल चेंज में न्यू सब्सटेंस नहीं बनता है केमिकल चेंज में न्यू सब्सटेंसेस बनते हैं फिजिकल चेंजेस रिवर्सिबल होते हैं केमिकल चेंजेस आर इिवर्सिबल फॉर एग्जाम्पल कुकिंग ऑफ फूड आटे से आप रोटी बनाते हो क्या रोटी से दोबारा आटा बना सकते हैं नो ग्रोथ ऑफ अ प्लांट प्लांट का ग्रो करना एक छोटा प्लांट होता है प्लांट से ट्री बन गया क्या उस ट्री से दोबारा प्लांट बन सकता है नो बर्निंग ऑफ अ कैंडल और पेपर पेपर स्टूडेंट्स लिसन केयरफुली पेपर को टीयर करते हैं इट इज़ अ फिजिकल चेंज बट वी बर्न द पेपर अगर हम पेपर को जलाते हैं तो इट इज़ अ केमिकल चेंज क्योंकि अगर आप पेपर को जलाओगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा एश में ओके okay? जब आप पेपर के पीसिस करते हो उसको टीयर करते हो तो वो रहता पेपर ही है दिस इज अ फिजिकल चेंज बट यू बर्न द पेपर इट इज अ केमिकल चेंज सेम राइपनिंग ऑफ रूट्स फलों का पकना अगर कोई कच्चा फल है वो पक गया तो क्या आप दोबारा उसको कच्चे वाली पोजिशन में ला सकते हो नो no. दूध से दही का बनना क्या दही से दोबारा दूध बन सकता है नो सो दीज ऑल आर द केमिकल चेंजेस सो दिस इज़ फॉर टुडे इन नेक्स्ट वीडियो वी विल रीड अबाउट एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन टिल दैन टेक केयर बाय एवरीवन